शुरू करते हैं. ओके, सवाल पूछा गया व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड इज. इज हमारे पास पहले सेंटेंस में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है और चौथे में है. मतलब ये तो कंफर्म है कि अगर तीन जगह पे है तो आइदर नहीं हो सकता. अगर ऑप्शन में आइदर होता भी तो आप इतने कंफर्म रहा करें कि तीन बार अगर कोई वर्ड कहीं दिख रहा है तीन सेंटेंसेस में तो ऑफकोर्स आइदर नहीं होगा. कुछ कॉमन चीजें होंगी जो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ में होगा. वो कौन सा वर्ड है? आई थिंक VU है. VU हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप सबका आंसर सेम रहा होगा. आगे बढ़ते हैं तुरंत से सवाल नंबर दो आपके स्क्रीन पे और टाइमर ऑन करते हैं क्विक. टाइम के साथ दौड़िएगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है. हाउ इज द वर्ड टेस्ट कोडेड इन द कोड लैंग्वेज. दैट मीन्स टेस्ट वर्ड को कैसे कोड किया गया. फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में अकेला है वर्ड टेस्ट. और इसके साथ जो वर्ड लिखे गए हैं वो वर्ड कहीं और भी इस्तेमाल में लाए गए हैं. कैसे मैंने चेक किया? टेस्ट सिर्फ हमारे पास फोर्थ सेंटेंस में है, लेकिन हम तुरंत चेक करेंगे कोई और वर्ड तो ऐसा नहीं है जो सिर्फ उसी सेंटेंस में है, फोर्थ सेंटेंस में ही है. हमने कहा इस तो भी हमने देख रखा है. फ्राई वर्ड यहां पर दिख गया, गुड हमारे पास वर्ड यहां दिख गया. दैट मीन्स ऑफकोर्स टेस्ट यूनिक वर्ड है. तो दैट मीन्स ए कोड भी इसमें ऐसा होगा जो यूनिक होगा. हमने देखा कि डी कहीं और भी है, वी यू तो था ही, बी एन हमारे पास कहीं भी नहीं दिख रहा है बिकॉज आरटी तो दिख रहा है. दैट मींस बी एन इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बस एकदम कॉन्सेंट्रेशन. बहुत लोग क्या करते हैं इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए अलग से ऐसे काटेंगे. बोट यहां पर है और कहां है? बोट कहीं नहीं. चलो ठीक है, गुड यहां पर है, गुड यहां पर है, मतलब कि. और सबसे पहले उस सारे कोड का जो इसमें सेंटेंस दिया गया है इसका कोड पर लिख के रखते हैं रफ सीट में और फिर मार्क करना शुरू करते हैं सवाल को. दैट इज नॉट अ गुड वे. अभी का जो कॉम्पिटिशन का लेवल है उसमें आपको दो चार कदम, एक कदम आगे नहीं, दो चार कदम आगे रहना पड़ेगा तब जाके जीतेंगे आप. आईपीएस क्लर्क का कट ऑफ उसका जीता जाता उदाहरण है. आरबी क्लर्क का भी कट ऑफ वैसा ही रहा है. तो ऑफकोर्स आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कितना रफ्तार रखते हैं आप. सवाल नंबर तीन आपके स्क्रीन पे, टाइमर ऑन क्विक. सवाल में कहा गया व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड रिवर. रिवर हमारे पास फर्स्ट में है, सेकंड में है, दो ही जगह रिवर है. और कोई वर्ड ऐसा जो फर्स्ट और सेकंड में ही, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में हो तो ऑफकोर्स एक और वर्ड है. वो कौन वर्ड है? इन है. सवाल में पूछा क्या गया था व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड रिवर. हमने कहा रिवर तो भाई सब पहले और दूसरे में है, लेकिन साथ ही साथ हम एक और चीज तुरंत से चेक करेंगे बिकॉज ऑप्शन में सीएनडी भी एक ऑप्शन दिख रहा है. हम क्या चेक कर रहे होंगे कि भाई अगर रिवर हमारे पास पहले दूसरे में सेंटेंस में है तो कोई और वर्ड है क्या? ये बात सोचने के लिए उकसाया किसने हमें? तो भाई किसने प्रोवोक किया? तो इस ऑप्शन ने प्रोवोक किया. हमने चेक भी किया यहां पर तो दिखाई दिया हाँ भाई एक और वर्ड है जो सिर्फ पहले और सिर्फ दूसरे में है. इसका मतलब कंफर्म है कि आंसर एग्जैक्ट आंसर तो पॉसिबल नहीं है. अब क्या कोड है? अगर कॉन्सेप्ट है तो ऐसे कर सकते हैं आप. इसका क्या कोड है हम नहीं ढूंढेंगे. हम क्या देखेंगे? कॉन्सेप्चुअल आधार पर भाई इसका आंसर आइदर में ही पॉसिबल है. यहां व्हाट इज पूछ रहा है और व्हाट इज पूछा गया अगर है यहां पर तो एग्जैक्ट आंसर पॉसिबल नहीं. दैट मींस करेक्ट आंसर विल बी सी एंड डी. ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दिस इज हाउ वी नीड टू रिएक्ट इन दिस क्वेश्चन. सवाल नंबर चार आपके स्क्रीन पे. इसमें दो वर्ड और उसका दो कोड दिया गया पहले रेफरेंस के तौर पर. ध्यान से कीजिएगा. भूख तो नहीं लग रही वैसे इस टाइम में, इस तरह का भूख नहीं लगना चाहिए. इफ चिकन फ्राई इज कोडेड एज डीई डब्ल्यू क्यू. सो चिकन हमारे पास एक ऐसा वर्ड है. देखो जब भी हमने कई बार समझाया आपको इस बात को, जब भी इफ करके सवाल देगा ना तो वो दो काम करता है. या तो जो रेफरेंस में इफ करके मतलब कंडीशन वाले क्वेश्चंस इन चाइनीज कोडिंग, तो जो रेफरेंस दिया करेगा उसमें या तो नया वर्ड होगा और या तो आइदर वाला वर्ड होगा, उसको वो क्लियर कर रहा होता है यहां से. तो यहां पे बोला गया चिकन फ्राई. अब चिकन ऐसा वर्ड है जो इसमें रेफरेंस में नहीं है, मतलब ये कैसा वर्ड है? नया वर्ड है. पूछा क्या है भाई? तो व्हाट विल बी द कोड फॉर गुड. इसका मतलब यहां पर ये है कि चिकन फ्राई में आई थिंक फ्राई का जो आंसर होगा वो आइदर में जा रहा होगा, तभी उसने क्या किया है गुड का सवाल पूछा है. ये आपको तुरंत समझ जाना चाहिए. जहां पर फ्राई है वहां चलो, फ्राई यहां पर है, फ्राई यहां पर है, गुड यहां पर है, गुड यहां पर. दैट मींस क्लियर हो गया ये चीज कि फ्राई और गुड ये दोनों ही वर्ड सिर्फ थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में. इसका मतलब इसका आंसर आइदर में जा रहा था. जहां पर उन्होंने क्लियर किया है कि भाई फ्राई का कोड हम क्या रख रहे हैं, वीयू और आरटी कर सकते हैं आप यहां पर. नहीं, वीयू किसी और का था, डीई और आरटी, इसको छोड़िए, डी और आरटी था. उसमें से क्या कह दिया उसने? डीई वर्ड यहां यूज किया. दैट मींस कि अब गुड का क्या कोड होगा? आरटी. आरटी हमारे पास है क्या? ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी में है. बात खत्म है. तो इतनी बातें जो हमने चर्चा करी है ना, अगर आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ग्रैब कर चुके हो तो इतने बातों को सोचने की जरूरत नहीं. आप आंखों से करोगे सब. अच्छा चिकन फ्राई इसमें ठीक है, इसमें गुड और फ्राई के साथ वहां पे क्या है? ठीक है, इतना 15 सेकंड्स
20 सेकंड्स, उससे अधिक तो खर्च नहीं होना चाहिए, और कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेप्ट सब आपके पास रखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5, पहला सेट यहां पर कंप्लीट होगा जल्दी से। 3 वर्ड यहां दिया गया, ध्यान रखिएगा, अच्छे से कीजिएगा प्लीज। सवाल में पूछा गया है, हाउ विल द स्टेटमेंट बोट हाउस एंड स्विम बी कोडेड इन द कोड लैंग्वेज। ठीक है, हमारे पास जब भी एक बड़ा वर्ड रहे, जैसे 3 वर्ड का सवाल है, ऐसे पूछ 3 वर्ड दे दिया गया, भाई इसका कोड बताओ क्या होगा, तो हम कोशिश करेंगे, सब कोशिश कर सकते हैं इनिशियली, कि क्या मल्टीपल, दैट मीन्स कि 2 वर्ड का कोड कहीं एक साथ में, 2 वर्ड एक साथ मिल रहा है कहीं पे, क्या रेफरेंस में, हमने कहा बोट हाउस स्विम, क्या बोट स्विम या फिर बोट को हाउस ऐसा कुछ, भाई बोट ही हमें एक बार दिख रहा है और स्विम वर्ड भी हमें सिर्फ एक ही बार दिख रहा है, मतलब ये दोनों वर्ड कहीं और नहीं है, मतलब सिर्फ एक बार बोट है और सिर्फ एक बार स्विम है, और हाउस वर्ड तो ऐसा है जो बिल्कुल न्यू दिख रहा है, दैट मीन्स एक कोई ऐसा ऑप्शन होगा इसमें सब कुछ नहीं, मतलब एक वर्ड नया होगा बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं इसमें एक काम करते हैं, नया ढूंढने से बेटर है कि हम बोट और स्विम का कोड निकाल लेते हैं, भाई बोट का कोड क्या होगा, तो हमने कहा बीटी होना चाहिए बिकॉज बीटी कहीं और नहीं है, या फिर अगर हम देखें तो पीक्यू कोड तो कहीं और भी है, बीटी कोड वहाँ ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू आई ऐसा कोड है जो कहीं और नहीं, दैट मीन्स बीटी और डब्ल्यू आई तो चाहिए चाहिए अपने को, तो बीटी और डब्ल्यू आई यहाँ पर दिख रहा है, बीटी और डब्ल्यू आई यहाँ दिख रहा है, बाकी सब विकल्प कट गए आपके, और ये हम काट रहे हैं, आपको आंखों से काटना है सिर्फ इसको, अब देखना है क्या हमारे पास जो एस एच वर्ड है या फिर एस ए वर्ड है इनमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन जो ऐसा होगा जो चाहे वो बी हो या सी हो, जैसे एस एच है या एस ए है, जिसका इस्तेमाल इसमें किया गया होगा, हमने कहा भाई एस एच का इस्तेमाल तो यहाँ किया गया, जबकि अगर ये हाउस वर्ड नया है, अगर हाउस वर्ड नया है इसका मतलब नया कोड भी होगा, दैट मीन्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट, दिस इज हाउ यू नीड टू रिएक्ट, मतलब ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के आधार पर है, और मैं हमेशा कहता हूं ऊपर ऊपर काम मत किया करो, जीतना है तो आपको 2-4 कदम आगे रहना पड़ेगा, 2-4 कदम आगे रहने के लिए प्रैक्टिस से पहले कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं, 6 से 10, दैट मीन्स नया रेफरेंस, नए 5 सवाल, ध्यान से आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, नया रेफरेंस है, ध्यान से कीजिएगा प्लीज। सवाल में पूछा गया, व्हाट इज द कोड फॉर मी अकॉर्डिंग टू द गिवन कोड लैंग्वेज, मी का क्या कोड होगा भाई, मी हमारे पास पहले में है, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में भी नहीं, दैट मीन्स मी एक यूनिक वर्ड होना चाहिए, या तो भाई एक आध वर्ड और होगा जिसमें ऐसा होगा जो कहीं और नहीं होगा, तो दिस वर्ड का हमने इस्तेमाल कहीं और देखा, इस वर्ड भी कहीं और है, नॉट वर्ड भी कहीं और है, दैट मीन्स मी जो है अब एक यूनिक वर्ड है, यूनिक वर्ड मतलब यूनिक कोड, मतलब एक कोड ऐसा होगा जो यूनिक होगा, हमने देखा भाई कि पीटी का इस्तेमाल कहीं और भी है, एसटी का इस्तेमाल कहीं और भी है, एआर का इस्तेमाल कहीं नहीं है, एआर हमारे पास कहीं है क्या, क्या हो रहा है ये, मतलब मी पूछा गया ना, मी पूछा गया ना, तो मी हमारे पास क्या, तो कहीं और भी होगा फिर तो, बट दिस इज हिम, कुछ गड़बड़ नहीं, मी है भाई, मैं देख नहीं पा रहा हूं, फर्स्ट एंड थर्ड में है, सॉरी, दैट मीन्स कुछ कॉमन होगा, पीटी हमारे पास है कॉमन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन क्यों हिला, कॉन्सेंट्रेशन हिलने का वजह बता रहा हूं क्या था, यहां पर एक कॉमेंट पढ़ा मैं अभी यहां पर, और कॉमेंट में था कि सर क्या बैंकर अड्डा के, मतलब इसी चैनल की बात कर रहे हैं बच्चे, एक बच्चे ने कहा क्या सिर्फ यहाँ YouTube पे क्लास देखकर SBI क्लर्क में हो जाएगा, देखो मतलब इस सवाल का जवाब मैंने हजारों बार दिया होगा और मैं फिर से दे देता हूँ, देखो YouTube पे बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपके पास फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, मतलब कि अगर मजबूत फाउंडेशन है आपके पास, मतलब आपने पढ़ रखा है, चाहे वो कहीं से पढ़े हो आप, अगर आप बेसिक आइडिया नॉलेज क्लियर है, तो प्रीलिम्स का सपोर्ट आपको ऑफकोर्स यूट्यूब के, सिर्फ यहाँ से नहीं, अलग अलग जगह भी हैं, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो प्रैक्टिस चल रहा होता है, तो यूट्यूब पे ना प्रीलिम्स लेवल का प्रैक्टिस भी हो जाता है, नॉलेज अगर है तो आप यहाँ एक्सेल कर लेते हैं, प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस के लिए एटलीस्ट आपको क्या होता है, फिर पोटेंशियल आपको गेन करना पड़ता है, तो ये तो है ही नहीं कि आप सिर्फ यहाँ से कर सकते हैं, इसलिए अगर आपने नॉलेज है तो ऑफकोर्स सिर्फ यहाँ से कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, टाइमर ऑन,
अब यहां पर देखो कोड से वर्ड पूछा गया है कि MN बताओ किसका कोड है। हमने कहा MN कहां है भाई, फर्स्ट में है नहीं है, सेकंड में है हां है, थर्ड में है हां है, सेकंड और थर्ड में हमारे पास MN दिख रहा है, MN एक कोड है। और हमें आइदर के बारे में विचार करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है बिकॉज सारे के सारे ऑप्शंस यहां पर जो है एग्जैक्ट दिया हुआ है। और सवाल में भी कहीं भी ये नहीं बोला गया कि बताओ मे बी वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कोड फॉर MN या फिर वर्ड फॉर MN, ऐसा नहीं। इधर भी हम एग्जैक्टली समझ सकते हैं यहां पर कि एक वर्ड ऐसा होगा इन दोनों में से जो कॉमन होगा, वो कौन सा वर्ड है भाई। हमने कहा वहां पर एक वर्ड दिख रहा है यू, यू वर्ड कहीं और नहीं है, सिर्फ वहीं पे। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वाइट इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। चार कोड है, उसे चार वर्ड बनाने हैं, ध्यान से कीजिएगा इस सवाल के। 20 सेकंड्स थोड़ा कम होगा मुझे लगता है, क्रॉस चेक कीजिए प्लीज। चले चले शुरू किया जाए, आइए। सवाल में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, विच फॉर व्हाट सेंटेंस द कोड दिस मच, दैट मींस चार कोड दिया गया, मतलब चार सेंटेंस कौन, मतलब ये चार वर्ड, चार कोड से चार वर्ड कौन से बनेंगे। अभी कुछ देर पहले ने पिछले सवाल में एक बात कहा आपसे कि जब भी कभी बड़ा वर्ड हो जाए, तो तीन चार वर्ड का सवाल पूछा है, तो आप देखा कीजिए मल्टीपल वर्ड्स एक साथ सेंटेंस में मिल रहे हैं कहीं पे क्या, वैसे अगर ढूंढेंगे तो इजी पड़ेगा आपके लिए, एक साथ जल्दी निकाल सकते हैं कोड। वैसे ही अगर चार कोड दे दिया गया एक साथ, तो आप ढूंढिए कि चार कोड में से कोई दो या तीन कोड एक साथ कहीं नजर आ रहा है क्या। तीन मिलना थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन दो ढूंढ सकते हैं आप शायद। तो हमने देखा कि भाई, और ये भी याद रखिए पिछले सवालों में किसी का कोड फाइंड किया है क्या। देखो AR का कोड हमने निकाल रखा है ना, AR किसी का था ना, जैसे AR किसका कोड था, तो मुझे लगता है कि AR इज द कोड फॉर आई थिंक दिस, दिस नहीं, AR हमारे पास सिर्फ एक ही जगह नहीं, दिस का कोड है, तो वो दिख गया मैं आई थिंक। चलो एनीवेज, हम XR और आई थिंक यहां पर XR दिख रहा है, यहां पर YU दिख रहा है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं चलो भाई हमारे पास ये दोनों कोड ना एक साथ दिख गया। दैट मीन्स अभी हमने कुछ देर पहले किसका कोड निकाला, MN का निकाला, MN किसका था भाई, तो U का था। और मैं यहां क्या दिख रहा है, PT दिख रहा है, PT हमने निकाल रखा है किसका, मी का। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमारा एंड और आपका जो कम है, ये दो वर्ड निकल के आएगा, वायु और XR। अब इसमें हम बहुत भावुक नहीं होंगे कि XR का कौन सा है या फिर वायु किसका एग्जैक्टली कोड है, नहीं आएंगे इस बात पे हम लोग। हमें दो वर्ड यहां से मिल चुके हैं, मतलब जो चार वर्ड यहां पे होने वाले हैं किसी भी ऑप्शन में, उसमें दो वर्ड ये होना चाहिए, दिस इज अनिवार्य। आगे आते हैं, हमारे पास बचा हुआ जो दो कोड है वो कौन है भाई, यहां पे हमारे पास चलो XR यहां भी है, AR और ST ही है ना नेक्स्ट, हमारे पास क्या है AR और ST, तो मैं यहां पर AR और ST यहां दिख गया है, और हम AR दिस का निकाल चुके हैं कुछ देर पहले, ST देख लेते हैं किसका है, ST हमारे पास कहीं और है क्या, फर्स्ट में ही है ST भी। दैट मींस कि हमारे पास दिस और इज, ये दो वर्ड होगा वहां पर, दिस इज एंड कम, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट्स इट, है ना, मतलब निकल गया। अब यहां पर एक कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है जो फ्रेशर बच्चे हैं खासतौर पर, उनका कहो सर बहुत भयावह सवाल था ये, बताइए कि ये जो XR लिखा हुआ है एकदम बकलोल आदमी है आप, कुल मिला के कहें का है भैया। तो आप कहेंगे सर देखो ऐसा है कि XR जो है पहला नंबर पे लिखा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि XR जो कोड है ना वो इसका मतलब पहला जो कोड होगा उसका पहला वर्ड होना चाहिए, दूसरा वर्ड का दूसरा कोड होना चाहिए, तीसरे का तीसरा होना चाहिए, चौथे का चौथा होना चाहिए, ऐसा है क्या, ये सवाल किसी के मन में आ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिए, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, मतलब बस इन कोड्स के कॉम्बिनेशन यहां पर वर्ड्स होने चाहिए। पहले नंबर पे जो कोड लिखा है उसका पहला वाला ही कोड होगा यहां पर लिखा होना चाहिए, दैट इज नॉट अनिवार्य, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से कीजिएगा। मेरे को समझ नहीं आता कभी कभी बच्चों के सवाल, मतलब हमें आंसर करना पड़ता है, पढ़ाने के साथ साथ हमें क्वेरीज भी लेनी पड़ती हैं। एक बच्चे का सवाल आ रहा है सर ये बताइए कि जो जीरो टू हीरो बैच है, जीरो टू हीरो बैच है, क्या ये एक बिगनर मतलब फ्रेशर के लिए है क्या। मुझे लगता है कि जीरो से हम एक फ्रेशर को ही डिफाइन करते होंगे, मतलब मुझे जो लगता है, मतलब ऐसा लगता है मुझे कि जीरो का मतलब जो है वो बिगनर ही होता होगा, मुझे ऐसा फील होता है। अगर ऐसा होता है इतना तो समझदारी होना चाहिए, और कई बार बता भी चुके हैं हम लोग, प्री प्लस मीन्स बेसिक सब कुछ बता चुके हैं भाई साहब, बिल्कुल बिगनर के लिए तो एकदम रामबाण होगा ये बैच। आइए सवाल पे आते हैं, कोड फॉर बट दिस इज माई इज रिटन एज समथिंग, एक कोड दिया गया सेट सेट यहाँ पे, फाइंड द कोड फॉर हिम। अब देखो यहाँ पर एक रेफरेंस दिया पहले कि भाई इन चार वर्ड का कोड ये वाला है, और
फाइंड द कोट फॉर हिम. हिम हमारे पास कहां पे है? तो हिम हमारे पास सेकंड और थर्ड, सेकंड और फोर्थ में दिख रहा है. तो क्या हमारा यहां से काम हो जाएगा क्या? मतलब बट का कोट हमारे पास दिख रहा है कि आइदर में जाने वाला है. मतलब इसने बट का कोट क्लियर किया है. समझ रहे हो? ये रेफरेंस क्या किया है इसने? रेफरेंस उसने आइदर वाला कंडीशन यहां पर क्लियर किया उसने. देखो यहां पर हिम, यहां पर हिम, यहां पर बट, यहां पर और बट यहां पर. दैट मींस सेकेंड और फोर्थ में दो वर्ड ऐसे हैं जिसका कि जो जो वर्ड कॉमन है. इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस जो वर्ड पूछा गया हिम का कोड, जो चार रेफरेंस वर्ड दिए गए उससे बिल्कुल भिन्न कोड वर्ड पूछ दिया गया यहां पर. भाई हिम का बताओ क्या होगा? बट दिस इज माई रिटन एज दिस थिंग. तो इसका मतलब तात्पर्य क्या है? इसका मतलब यही है कि इनमें से कोई ना कोई वर्ड ऐसा होगा जो हिम के साथ आइदर करवा रहा होगा. इसका मतलब उसको क्लियर किया और यहां पूछ दिया, बताओ इसका क्या होगा? तुमने कहा भाई बट का कोड यहां पर निकल जाएगा. इसका मतलब है दो चीजें हमारे पास, देख लो कौन कौन कॉमन है यहां पर फर्स्ट एंड सॉरी सेकंड और फोर्थ में. हमने कहा सेकंड और फोर्थ में हमारे पास कॉमन चीजें जो है वो है डब्ल्यू ई और क्यू एस. डब्ल्यू ई क्यू एस में से हमारे पास यहां पर क्यू एस को इस्तेमाल किया. दैट मींस कि डब्ल्यू ई इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आइडियली सभी लोग इस बात को समझ चुके होंगे. ठीक है ना? अच्छा यहां पे हर हो गया क्या? यहां पे हिम होना चाहिए. ठीक है, इसका ऐसे ही बताओ हिंदी कन्वर्जन ऐसे कैसे हो गया? हिंदी में अलग लिखा हुआ है. ठीक है भाई, भावुक नहीं होने का. ठीक है, उतना समझदार हो आप लोग. इस बात को मत तलाश करो कि क्या तकलीफें यहाँ पर हो रही हैं, मतलब क्या गलतियाँ हैं यहाँ पर. ये देखो कि भाई ठीक है, गलती देखी जा रही है, मतलब साफ साफ. अब दोपहर के 12 बजे दिखाए कि मतलब आप मान लो कि दोपहर के 12 बजे आपका डिजिटल वॉच में लिख रहा हो कि 8 PM, तो मतलब आपकी घड़ी में दिक्कत है. मतलब दिन तो हो ही रहा है, वही वाली बात है. ठीक है ना? सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है और आपके आखिरी विकल्प में थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा. मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ई. बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये वाला. बहुत मतलब SBI का जो लेवल है ना पूछने का, उस लेवल पे सवाल है ये वाला. बिल्कुल आपको बिल्कुल टेस्ट करने वाला सवाल. व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल कोड फॉर एंड दिस इज हाउ. समझ रहे हो? मतलब कितना जर से सवाल, मतलब जितना भी बोया जा सकता ना, सब एकदम मिला उला के ग्राइंडर में चला के पेश किया गया आपके सामने. एक तो पहले चार वर्ड दिया, ठीक. उससे पहले के तामझाम सुनो इनके नखरे. व्हाट कुड बी, ठीक है, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल होता तो फिर भी. बेस्ट पॉसिबल कोड, दिस इज SBI. मतलब जब SBI सवाल पूछता है चाइनीज कोडिंग का भी ना, तो सोचो किस रंग में पूछ सकता है वो आपसे सवाल. जब कहते हैं ना चाइनीज कोडिंग, अरे मास्टर पागल है. चाइनीज कोडिंग तो सर हम जानते हैं, देख लेते तो मतलब चाइनीज कोडिंग खुद ही भाग जाता है, मतलब एकदम खत्म, बर्बाद. उसमें कुछ है ही नहीं सर, कि आप भी एकदम मतलब क्या मास्टर बनेगा रे तू, ऐसी वाली फीलिंग आपको आने लगती है. लेकिन मसला क्या है, अब सवाल का क्रिएशन देखो आप यहाँ पे. व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल कोड. सवाल चाहे कितना भी रद्दी हो, कितना भी, लेकिन इसको देख के ही बच्चे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे करेंगे आप. आइए देखते हैं सवाल का आंसर क्या है. एंड दिस इज हाउ. हमने हमेशा कहा है कि भाई इस तरह के सवालों में आपको ढूंढना ये चाहिए कि मल्टीपल जो वर्ड है वो कहाँ मिलेंगे. ठीक है ना? तो एंड दिस इज हमारे पास दिख रहा है, दिस इज यहाँ पर है और दिस इज यहाँ पर. हमें याद भी है कि दिस इज हमारे पास जो था वो आइदर में था, है ना? याद आ गया आपको? दिस इज अगर आइदर में है तो ऑफकोर्स हमारे पास दो चीजें यहां पर होंगी. ए आर हमारे पास यहां पर, एस टी यहां पर हमारे पास. ए आर एस टी, ए आर एस टी तो चाहिए अपने को, ए आर एस टी तो चाहिए. ए आर एस टी हमारे पास हर ऑप्शन में दिख रहा है. चलो ठीक है, एंड का कोड हमने निकाला था ना, एंड, एंड हमारे पास यहां पर है. और एंड कहां पे है? और एंड कहीं नहीं है, मतलब एंड वर्ड और कहीं है ही नहीं. मतलब एंड और कम भी आई थिंक हमें लगता है यहां तक कि वो आइदर में था, है ना? एंड और कम भी आइदर में था. और हाउ वर्ड हमारे पास शायद है ही नहीं यहां पर. हाउ वर्ड है क्या? हाउ वर्ड है क्या? हाउ वर्ड है क्या? हाउ वर्ड है क्या? नहीं. अब देखो यहाँ पर एंड और कम हमारे आइदर में आने वाला है. हमें मालूम होना चाहिए कौन कौन से वो वर्ड हैं. यू यहाँ पर, मी का हमें पता है कि मी का जो था वो पीटी था. और एमएन हमारे पास आई थिंक वो है आपके यू का. तो बचा हुआ जो हमारे पास रहेगा वो इसका हो जाएगा, पीटी और XR, सॉरी YU and XR, है ना? YU, अब देखो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, YU XR. इस सवाल को समझाना ही पड़ेगा प्रॉपर. ये बात समझ में आ गई आपको? YU XR हमने जो लिखा है यहाँ पर किस तरीके से लिखा है, YU XR इज द कोड फॉर एंड एंड कम. मतलब कि अगर कोई पूछे आपसे कि एंड का कोड क्या है, तो हम बोलेंगे एंड का कोड विल बी YU XR. मतलब YU भी हो सकता है या तो XR हो सकता है. वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस. ठीक है, हम करेक्ट आंसर लिखने जा रहे हैं. तो दिस इज भी आइदर में था, लेकिन दिस इज हमारे पास दोनों जगह पे सेम ही है. तो हम ऑफकोर्स यहां से निकालेंगे ARST. तो हमें ARST तो चाहिए, साथ में अगर YU है तो भी चलेगा,
और अगर ए आर एस टी के साथ अगर एक्स आर है तो भी चलेगा. लेकिन नाउ व्हाट वी वांट हियर, हमारे पास हाउ जो वर्ड है, हाउ इज एक्चुअली न्यू वर्ड. इस पूरे रेफरेंस में कहीं भी हाउ को नहीं बताया गया कि हाउ यहां पर है या नहीं है, तो यहां पर हाउ नहीं है यहां पर. दैट मीन्स कि नाउ वी हैव टू फाइंड. इसके साथ अगर जो भी हमारे पास ऑप्शंस कैरी कर रहे हैं नए कोड, उसको हम कैरी यहां पर बताएंगे. तो हमारे पास यहां पर ए आर एस टी के साथ वायु दिख रहा है. पीएम हमारे पास एक नया कोड होगा, तो पीएम हमारे पास यहां पर नया वर्ड है, बिल्कुल नया कोड है. ऑफकोर्स ये ऑप्शन एक्सेप्ट किया गया, 100% एक्सेप्ट किया गया, ऑप्शन नंबर ए एक्सेप्ट किया गया. आगे देखते ए आर एस टी एक्स आर है ना, ए आर एस टी एक्स आर यहां पर दिख रहा है. डब्ल्यू हमारे पास इसमें यूज किया हुआ है क्या, यूज किया हुआ है, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो तुम. नाउ ए आर वाई यू एस टी और इसको ऑफकोर्स एम एन का इस्तेमाल इसमें देखा गया, कट कर दीजिए. ए आर एस टी और एक्स आर पी टी का भी इस्तेमाल यहां देखा गया, कट कर दीजिए. और लास्ट ऑप्शन कह रहा है मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑल्सो फॉल्स. नाउ दैट मीन्स वन ऑफ कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप सबको बिल्कुल समझ में आया होगा कि करेक्ट आंसर कैसे निकाला गया, क्या है. ठीक है ना, ठीक है. सवाल नंबर दो सेट हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं. बी सी एस बेहद चर्चित सवाल. ठीक है ना, तो नो डाउट कि आप हिट एंड ट्राई के तौर पे ये भी कर सकते थे कि हाउ इज अ न्यू वर्ड, तो सीधा ऐसा कोड ढूंढो जहां पे कि नया कोड इस्तेमाल हुआ हो. तो उस चक्कर में आप जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एग्जामिनेशन में आपके पास ऐसा मतलब ऐसा भी है ना, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो इसका हमें इसलिए एक्सप्लेन किया आपको बिकॉज हमें यहाँ ये चीज समझाना था आपको कि कॉम्बिनेशन कैसे मिलाते हैं. एंड का कोड हमारे पास इन दोनों में से कोई भी चलेगा, तो ऑफकोर्स ए आर एस टी के साथ हमारे पास दो ऑप्शन बन जाएंगे, इसलिए उसने पॉसिबल वर्ड लिखा है और बेस्ट पॉसिबल वर्ड यहां यूज किया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सवाल नंबर 11-15 आपके स्क्रीन पे है, टाइमर ऑन क्विक. यहां पर फरमाइश ही थी तगड़ी आती है ना. एक बच्चे का है कि सर पीयू लेवल का सिलॉक्स कराओ, क्योंकि आज वो जागे होंगे, मतलब आज आए होंगे कि भाई चलो तो एहसान कर लेते हैं सर लोगों पे, बेचारे पढ़ाते रहते हैं इन लोग सुबह से, तो एक बार एहसान करते हैं क्लास में जाके. जब एहसान किया ही है थोड़ा फरमाइश भी कर देते हैं. अरे दुष्ट, बीते हुए क्लास का वीडियो देखो, टॉप क्लास आपको सिलॉलिज्म का सवाल, पीयू लेवल का सवाल, उससे भी ऊपर लेवल सवाल आपको दिखाई देगा. प्रीलिम्स से मतलब पीयू प्रीलिम्स के ऊपर लेवल का सवाल दिखाई देगा. उस लेवल पे तो है, कुछ सवाल ऐसे भी है जो कि बहुत कुछ सिखा के चले जाएंगे आपको. कंसिस्टेंट रहोगे क्लास में सब कुछ दिखाई देगा, नहीं रहोगे तो ऐसे फरमाइशें करते रहोगे. व्हाट इज द कोड फॉर माउंटेन? माउंटेन हमारे पास फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में भी है ऑफ कोर्स. तो अगर तीन जगह दिख गया मतलब आइदर में तो आंसर हो नहीं सकता, मतलब इट इज 100% डन. तो आइदर वाले विकल्प को आप देखें भी नहीं ढंग से. अब देखिए कौन सा ऐसा वर्ड है जो कोड है जो कि इन तीनों में कॉमन है. पीओ एक वर्ड है जो कि कॉमन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. बाकी कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं. एक मिनट, एन ए किसने बोला बे? सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है, स्लो राइज, दो वर्ड दिया गया है. चले अब नाउ इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड यू टू वर्ड्स, लाइक दो शब्द दिया गया स्लो एंड राइज, और ऑप्शंस का माहौल जो है वो सीएनडी भी दिखा रहा था. हमें थोड़ा सा ध्यान सोचना चाहिए यहाँ पे. नहीं, सबसे पहला कोशिश हमारे पास ये रहता है कि भाई क्या दोनों वर्ड एक साथ मिलेंगे क्या. तो स्लो राइज हमें एक साथ मिल चुका है, टुवर्ड्स माउंटेन स्लो राइज. हमेशा कोशिश ही करना है मल्टीपल एक साथ मिल. अब यहाँ माउंटेन का ढूंढ चुके हैं, माउंटेन का कोड तो मालूम है भाई साहब, माउंटेन का कोड पीयू है. टुवर्ड्स का कोड ढूंढ लो यहाँ पर. अब इसका कोड पर ढूंढो टुवर्ड्स का कोड. बैल बुद्धि का पर्चे नहीं देना है कि हाँ ठीक है क्या बोला तो स्लो राइज का पूछा है. ठीक है, स्लो राइज यहाँ पे, स्लो यहाँ पे, राइज यहाँ पे, ऐसे नहीं करना है. बी स्मार्ट, ट्रिप सॉरी इसका टू वर्ड्स का ढूंढो. टू वर्ड्स फर्स्ट एंड फोर्थ में है और कहीं नहीं है वो. दैट मीन्स कि फर्स्ट एंड फोर्थ में कॉमन कौन है? जे यू. बचा कौन आपका? जी आई वाई बी. जी आई वाई बी कहीं है क्या? जी आई एन वाई बी ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है. ऑप्शन नंबर सी मार्क कीजिए, निकल लीजिए, बात खत्म है. आगे बढ़ते हैं. सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, ट्रिप का कोड पूछा गया. व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड ट्रिप? जल्दी से क्विक. ट्रिप हमारे पास जो वर्ड है वो फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है और फोर्थ में
नहीं है, मतलब ऑफकोर्स ट्रिप वर्ड हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड में ही सिर्फ दिख रहा है। कोई और वर्ड ऐसा है क्या जो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में ही दिख रहा है? तो रिवर हमारे पास वहां है नहीं, राफ्टिंग हमारे पास है नहीं, माउंटेन तो हमने देख लिया तीन जगह था, तो मतलब एक कोड ऐसा है जो दोनों जगह कॉमन होगा। एक कोड कौन सा है तो हमने देखा वहां पे एनए है, एनए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निकल लीजिए अगले सवाल पे, सवाल नंबर चार आपके स्क्रीन पे, राइज माउंटेन में आपको माउंटेन का कोड मालूम है, बाकी राइज जो आपके पास है वो चरस बोएगा, ध्यान से देखिएगा। सो माउंटेन कोड अपने को मालूम है ना, माउंटेन कोड हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, तो पीओ है, चलो ठीक है पीओ तो चाहिए भाई अपने को। सो पीओ यहां पर है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो पहले गया, तो आइदर ए और बी बोलना भी पाप है, मतलब ये तो खत्म हो गया। बचा हमारे पास क्या, जीआईपीओ। अब देखते हैं जीआई कोड राइज का हो सकता है क्या। सो फाइंड द कोड फॉर द वर्ड राइज माउंटेन, फाइंड द कोड फॉर द वर्ड राइज माउंटेन में। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग इतने बड़े बैल बुद्धि कैसे हो सकते हैं, मतलब कि स्लो वर्ड हमारे पास कहीं है क्या, स्लो वर्ड हमारे पास कहीं है क्या, है क्या, है क्या, नहीं है। सो हम इसमें ऑप्शन नंबर डी कहेंगे कैसे, मतलब ये बताइए, मतलब हाउ कैन वी से दिस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज फाइंड द कोड फॉर द वर्ड राइज माउंटेन कहा उन्होंने। माउंटेन का कोड के लिए हम लोग कंफर्म है यहां पर पीओ होगा, राइज का कोड क्या होगा वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। सो ऑप्शन नंबर जो डी मार्क कर रहे हैं बच्चे, मैं बस स्लो देखना चाह रहा हूँ, स्लो वर्ड तो कहीं नहीं ना इस्तेमाल किया भाई, नहीं किया है, मतलब अब आप हम ये अब हम क्लियरली कह सकते हैं कि ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी कहा है वो गलत कह रहे हैं, ठीक है ना। जीआई हम नहीं कह सकते ना, आपको याद होगा ना स्लो एंड राइज ये दोनों ही वर्ड ऐसे थे जो कि आइदर में चल रहे थे, जब आइदर में थे तो हम उसका एग्जैक्ट आंसर कैसे दे सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। राइज का जीआई दिया है क्या कहीं पे, राइज वर्ड है क्या, मतलब राइज होगा तो मैं दिख नहीं पा रहा हूं, शायद राइज नहीं अगर है तो, राइज का दिया है क्या, नहीं दिया है यार, सॉरी सॉरी, वही मैं कहूँ कि बहुमत गलत नहीं हो सकती, मतलब बहुमत लोग जल्दी गलत नहीं होते हैं, तो मतलब मैं गलत हूँ यहाँ पे, सॉरी मैं स्लो ढूंढ रहा था शायद, राइज यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है ना, राइज यहाँ पर है, मतलब ये राइज हमारे पास था यार, सॉरी सॉरी फ्रॉम माई साइड, बिग सॉरी फ्रॉम माई साइड, फर्स्ट एंड सॉरी सेकेंड एंड फोर्थ में हमारे पास है, तो एक कोड कॉमन होगा जी आई, देन दैट मीन्स जी आई पी ओ चलेगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, मान लिया, लो मान लिया मैंने। सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है, कोड से वर्ड बनाना इस बार, एफ यू स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है चल जल्दी से। कंट्रोल उदय ठीक है, पूछा गया कोड एफ यू स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट मीन्स यहां पर एफ यू कोड दिखा जाए, एफ यू है कहां पे, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, हाँ सिर्फ सिर्फ तीसरे में है, सिर्फ तीसरे का मतलब है कोई एक वर्ड ऐसा होगा जो सिर्फ तीसरे में होगा। हमने देखा कि यार राफ्टिंग यहां पर है और ट्रिप तो कहीं और भी था, रिवर भी हमारे पास कहीं और है, माउंटेन तो खैर है ही, दैट मीन्स कि ऑफकोर्स एफ यू का कोड हम कह सकते हैं, एफ यू जो कोड है वो किसका है, तो राफ्टिंग का है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सवाल हमारे पास तीन सेट समाप्त हो चुका है, मतलब आज हम लोग आराम से पांच सेट तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, कम से कम छह की कोशिश करेंगे हम लोग। सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है और ये रहा आपका टाइमर, जल्दी से क्विक। मैंने जीवन में एक बार रिवर राफ्टिंग किया है और वो अनुभव जो है काफ़ी बेहतरीन रहा है, थोड़ा सा डर भी लगा था क्योंकि उस वक्त मुझे लगता है कि मैं नहीं बच्चा तो नहीं था यार, मतलब इधर की बात है, मतलब पाँच साल छः साल पहले की बात है। फाइंड द कोड फॉर द वर्ड स्ट्राइक आउट, पहले ही सवाल में यहाँ पर नया रेफरेंस है, पहला सवाल में यहाँ पर दो वर्ड पूछ दिया गया आपको, लेकिन हम लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला इंसान है, हमने ढूंढना यह है कि क्या ये दोनों ही वर्ड एक साथ मिल जाएंगे कहीं पे क्या, तो इस हर बार किस्मत अच्छी होती नहीं है। स्ट्राइक हमारे पास फोर्थ में है, आउट हमारे पास सेकंड में है, आउट कहीं और है क्या, नहीं, स्ट्राइक कहीं और है क्या, नहीं, दोनों ही वर्ड बेचारे अकेले अकेले जो है सेकंड और फोर्थ में खेल रहे हैं। अब हमारे पास देखना यह है कि सेकंड और जैसे हमारे पास सेकंड में आउट वर्ड है तो क्या हमारे पास मीडिया कहीं और है, मीडिया हमारे पास कहीं और है, नाइट हमारे पास कहीं और है, स्टार हमारे पास कहीं, दैट मीन्स एक कोड ऐसा होगा जो कॉमन नहीं होगा कहीं से, वो आई थिंक हमारे पास जो कोड है वो एम ई बी नहीं, जी यू एल नहीं, जी यू एल ओ पी एस है,
तो ओपीएस हमारे पास होना ही चाहिए. ओपीएस हमारे पास कहीं है क्या? यहां नहीं है और यहां नहीं. ओपीएस चाहिए अपने को. नाउ जहां स्ट्राइक है क्या वहां पर जियो है क्या? नहीं है. दैट मीन्स ये गया तेल लेने. क्या सैम वहां पर है? क्या सैम है? मतलब कि सैम तो हम बोल ही सकते हैं फिर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देखिए हमने क्या यहाँ पे क्या दिमाग लगाया. सबसे पहले एक का ढूंढा हम लोगों ने कोड, यहाँ से आउट का मिल गया ओपीएस. तो ओपीएस अगर है तो ऑप्शन में सी और डी गया. और जब हमारे पास ओपीएस और जियो से हम देखा भाई यहाँ पर जिसमें जिस वर्ड जिस सेंटेंस में हमारे पास जिस सेंटेंस का जो कोड सेक्वेंस है उसमें हमारे पास स्ट्राइक अगर का यहाँ पर अगर जियो यहाँ दिख रहा है अगर तो फिर ऑफकोर्स वो सही है. नहीं है तो भाई साहब हटाओ इसको. बच्चा हमारे पास सैम जो वर्ड यहाँ पर ओपीएस का लगा हुआ है वो सैम वर्ड यहाँ है क्या? वो वर्ड कहीं और नहीं है ना? नहीं है. बात खत्म. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर. ध्यान से कीजिएगा. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स कुड बी अ पॉसिबल कोड फॉर पैक्ड गुड्स. ध्यान से. चले पैक्ड गुड्स हमारे पास दो वर्ड आपको पूछा गया है. पैक्ड वर्ड तो यहां दिख रहा है. गुड्स वर्ड हमारे पास फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, कहीं नहीं है. मतलब गुड्स वर्ड जो है नया वर्ड है. और नया अगर है तो पहले पैक्ड का कोड निकाल लेते हैं. और पैक्ड वर्ड भी सिर्फ अकेले एक ही बार है. और एक्शन वर्ड हमारे पास जो उसमें था वो एक्शन वर्ड हमारे पास कहीं और भी है. नाइट कहीं और भी, कंसर्ट भी कहीं और है. दैट मीन्स कि पैक्ड वर्ड हमारे पास नया है, उसका एक कोड हमारे पास नया होगा. दैट मीन्स आई थिंक वो है आपका कौन सा है भाई? जियो ही लग रहा है. तो जियो हमारे पास यहाँ, जियो हमारे पास यहाँ, बाकी सब गया तेल लेने. मतलब जियो के साथ ए एन डब्ल्यू है, एन यू एल है, वी आई एस है. तो भाई हम ये तो देख चुके हैं कि वी आई एस हमारे पास इस्तेमाल में लाया गया है यहाँ पर. बिकॉज एक नया वर्ड है अगर गुड्स, तो हमारे पास नया कोड भी चाहिए. एन यू एल का इस्तेमाल यहाँ पर दिखाई दिया गया, दिखाई दिया. दैट मीन्स कैंसिल आउट. बच्चा हमारे पास ए एन डब्ल्यू. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप एवरीबॉडी गेटिंग द सेम आंसर. आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है. टाइमर ऑन है. क्विक इस वाले सेट में ना सारे सवाल अच्छे हैं. बिकॉज बड़े बड़े सवाल, दो दो वर्ड सारे सवाल शुरुआत से ही बढ़िया. आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना कि आप सेशन में लाइव और लाइक की संख्या बराबर नहीं कर पा रहे हैं. प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा. लाइव और लाइक की संख्या बराबर कर रखें, थोड़ा सा ठीक रहता है. बाकी सवाल पे अब आते हैं. ड्रामा नाइट. ड्रामा नाइट यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड पूछा गया है. इसमें नाइट वर्ड हमारे पास फर्स्ट में है, सेकेंड में नहीं, सेकेंड में भी है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है. ड्रामा वर्ड हमारे पास थर्ड में है और सिर्फ थर्ड में है. देखते हैं नाइट ढूंढ लेते हैं. नाइट हमारे पास जो है फर्स्ट एंड सेकंड में है. दैट इज कॉमन चीज के हमारे पास जो है वो है आपका एम ई बी, जो कहीं और नहीं है. तो एम ई बी तो होना चाहिए, मुझे लगता है एम ई बी चाहिए. तो भाई सब ये गया, ये गया. अब देखते हैं क्या इसमें से क्या कहानी है. हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो ड्रामा है. ड्रामा वर्ड हमारे पास जो है वो फोर्थ में है, सॉरी थर्ड में है. और उसके साथ कोई और वर्ड ऐसा जो सिर्फ थर्ड में ही हो. रिपोर्ट वर्ड हमारे पास जो है वो सिर्फ थर्ड में. दैट मीन्स नाउ वी आर गेटिंग द आंसर इन आइदर आई थिंक. बिकॉज रिपोर्ट वर्ड ड्रामा वर्ड, ड्रामा हमारे पास यहाँ पर रिपोर्ट कहीं नहीं है. दैट मीन्स हम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते. ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर. ये सवाल डिस्कशन वाला सवाल है, ध्यान से, कुछ बच्चों के लिए खास तौर पे. बाकी जो समझ चुके हैं समझ चुके हैं. हमने इसका आंसर क्यों दिया सी एन डी, समझिएगा इस बात को. हमारे पास नाइट वर्ड जो था वो फर्स्ट और सेकंड में था. मतलब ये कंफर्म है और कोई वर्ड यहाँ पर कॉमन नहीं था फर्स्ट और सेकंड में. जो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में ही हो, कॉमन हो भी सकता, लेकिन सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में और कोई वर्ड नहीं था. दैट मीन्स यहाँ से हम एग्जैक्ट कोड निकाल सकते थे और हमने निकाला भी. एम ई बी इज द कोड फॉर नाइट, ये क्लियर था. लेकिन जैसे ही हम ड्रामा की तरफ गए तो ड्रामा वर्ड हमारे पास जो दिखाई दिया वो दिखाई दिया थर्ड सेंटेंस में. हम तुरंत से क्या चेक किया हम लोगों ने, क्या कोई और वर्ड ऐसा है कि जो थर्ड सेंटेंस में, जो सिर्फ थर्ड सेंटेंस में ही हो. बिकॉज अकेला यहाँ पाया गया. हमने देखा भाई एक्शन तो कहीं और भी है, मीडिया कहीं और भी है, रिपोर्ट वर्ड जो ऐसा था जो सिर्फ थर्ड में ही पाया गया. नाउ वी आर नॉट श्योर अबाउट द कोड फॉर द वर्ड ड्रामा. और यहां सवाल में पूछा गया व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड ड्रामा नाइट. अब हम कंफर्म हो चुके हैं कि एग्जैक्ट आंसर तो खैर पॉसिबल है ही नहीं. और यहां पर जो चार विकल्प है वो एग्जैक्ट आंसर कैरी कर रहे हैं. सो ऑल दीज ऑप्शन विल बी नलिफाइड. नाउ विल हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर. दैट इज सेइंग सी एंड डी, दैट मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड. मतलब हम इसका उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते वास्तविक तौर पर. अगर यहीं पर समझिएगा, यहां पर दिया होता व्हाट कैन बी और वट मे बी द कोड फॉर ड्रामा नाइट. अब हमें यहां पर अगर मानसूर यहां पर कैन बी या मे बी वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया होता तो हमें ढूंढना पड़ता कि भाई साहब दो जो हमारे पास यहां पर है, जैसे हमारे पास जो था एमईबी तो चाहिए था ना, एमईबी चाहिए था अपने पास. वी आई एस और डी यू में से क्या दोनों ही यहीं पर हमारे पास सिर्फ है? वी आई एस और डी यू यहां पर है. अब इन दोनों में से कोई एक अगर ऑप्शन यहां पर हो, दोनों होता तब भी हम यहां पर, अगर वट कैन बी या वट मे बी के साथ दोनों ऑप्शन होता तो भी हम यहां मार्क करते ऑप्शन नंबर ई. लेकिन अगर मान लो व्हाट कैन बी या व्हाट मे बी दिया हुआ और इन दोनों में से कोई एक ही विकल्प दिया हुआ है, मान लो वी आई एस लिखा हुआ है, वाई आई एस,
मान लो वाई आई एस लिखा हुआ है कोड, तो हमें ऑप्शन नंबर सी मार्क करना पड़ेगा बिकॉज एमईबी के साथ डीयूएम ऑप्शन हम एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज ये आइदर का पार्ट है और यहां पर व्हाट मे बी लिखा हुआ है, ठीक है ना? आई होप यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ठीक है ना? क्लियर है? उस केस में हमें ये आंसर मार्क करना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है, सो इस चैप्टर में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेप्ट तो खैर हर जगह कॉमन होता है, लेकिन इस चैप्टर में एक्स्ट्रा आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन कैरी करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि कोई वर्ड मिस हो जाए। जैसे पिछले सवाल में एक सवाल मेरे साथ हुआ था, हमने एक वर्ड मिस कर गया था यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ था, ठीक है ना? ऐसे मतलब कॉन्सेंट्रेशन हाई रखिएगा, कॉन्सेप्ट तो पकड़ना पड़ेगा। ऐसे गलतियां कहाँ होंगी? मान लो आप इस सवाल इस चैप्टर से पांच सवाल का एक सेट पूछा गया, आप चार सवाल सही कर रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना है? जीरो है। आप अगर पांच में पांच लेके आ रहे हैं तब इसका सीधा वैल्यू कितना है? तब इसमें पांच का पांच वैल्यू हो गया। आप बोलेंगे क्या मास्टर है यार, ये इंसान खत्म है एकदम, सही बता रहे हैं, बहुत वाहियात आदमी है, बोलता है चार बटे पांच का वैल्यू जीरो है। हाँ, मैं तो कहूँ जीरो के माइनस में चला गया, आप निगेटिव हो गया, आप खत्म, बिकॉज ये चैप्टर ही ऐसा है, कॉम्पिटिशन बारीक है, इस चैप्टर से हर कोई चाहेगा, बिकॉज पीओ में इसको देखा जाता है। देखो कॉम्पिटिशन समझना बहुत जरूरी है, कहां पर गणित कहां है, तो पीओ के एग्जामिनेशन में आपको नजर आता है ये चीज कि भाई पांच सवाल यहां से मिला करेंगे, चार सवाल पूछ दिया, मान लो पांच सवाल पूछा आपसे अगर, तो आपको वहां पर अगर चार सवाल कर रहे हो उसका वैल्यू जीरो हो गया, बिकॉज आप नहीं तो कोई और सही, कोई और तो पांच पांच कर रहा है ना, और जो कर रहा है वो आपसे आगे है, बिकॉज दिस चैप्टर विल बी द इजिएस्ट टॉपिक ऑफ दैट इज पीओ एग्जामिनेशन, वेदर इज एसबीआई पीओ, एबीपीएस पीओ या आरबीआई ग्रेड बी, कोई भी अगर अपने एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में अगर पूछता है फेज वन में आपको इस सवाल को, दैट मीन्स वो गिफ्ट है आपके लिए, तो वहां से गलती नहीं करनी। मतलब इस बात से मैं समझाना चाह रहा हूँ, इस चैप्टर से नंबर गिफ्ट के तौर पर मिलेगा आपको पीओ के एग्जामिनेशन में, बिकॉज पीओ में नंबर निकालना कठिन होता है, तो इस चैप्टर से गलती मत कीजिएगा। और गलती करने का सबसे बड़ा वजह क्या होगा? अरे ये चैप्टर थोड़ी है भक, इसको तो ऐसा ही जो है मतलब उड़ा देंगे, ये एटीट्यूड गलती कराएगा आपका। प्लीज बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस अबाउट दिस टॉपिक, मिस्टेक्स हो सकते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है, टाइमर ऑन है। ठीक है, सवाल में पूछा गया कोड DUM stands for which of the following? अब यहां पर हमें कुछ से पहले डिस्कस किया DUM और VIS जो कोड है वो रिपोर्ट और ड्रामा के लिए होंगे। रिपोर्ट यहां पर है, ड्रामा यहां पर है, मतलब B और C कहां कैरी हो रहा है, B और C। अब देखो पिछले सवाल में हमने डिस्कस कर लिया इसको, और ये चाइनीज कोडिंग के साथ होगा कि आप पांच सवाल पूछे जा रहे हैं ना, तो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं चौथे या पांचवें को सपोर्ट कर देगा। पहला दूसरा सवाल आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नजर आपकी जाती है ऐसे वर्ड्स पे भी, ढूंढ रहे कुछ और लेकिन कहीं ना कहीं नजर आपकी जाएगी रेफरेंस में ऐसे वर्ड्स पे कि किसी और का भी अल्टीमेटली बैक ऑफ द माइंड सॉल्व हो चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो होता है चौथे का आंसर वहीं भी मिल चुका है आपको या सपोर्ट मिल चुका है वहां पर, ऐसा होगा। इस सवाल को देख लीजिए आप। अब इसमें आपको DUM का पूछा कि किसका कोड है DUM, निकालना नहीं पड़ा आपको डायरेक्टली, अरे DUM तो आइदर में था भाई, ये तो हटाओ इसको, ए भी तो नहीं हो सकता, एक्शन और ये रिपोर्ट और ड्रामा था, ऑप्शन नंबर ई मार्क, बस मार्क कर रहा है यहां पर आपको। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है, ट्राई आउट दिस क्वेश्चन प्लीज। सवाल में पूछा गया कि GUL और OPS किसका कोड है, तो हमने यहां पर कोशिश ये करी कि MEB का कोड तो हमने निकाला था, MEB जो है नाइट का है, तो हमने HFA का कोड निकाला। HFA किसका कोड है? HFA हमारे पास सेकंड और थर्ड में है और आई थिंक फोर्थ में भी है। कॉमन चीज क्या है यहां पर? तुमने कहा कॉमन चीज यहां पर भाई साहब मीडिया है, दैट मीन्स की स्टार आउट इज द वर्ड जिसका कोड हमारे पास OPS GUL होना चाहिए, स्टार आउट या फिर आउट स्टार, वॉट एवर, आउट स्टार हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है, आंसर कर लीजिए, निकल लीजिए। सवाल नंबर 21 से 25 दैट मींस फिफ्थ सेट ऑफ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और टाइमर ऑन कर रहा हूं जल्दी से। Find the code for the word hunger.
हंगर हमारे पास फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, दैट मीन्स हंगर हमारे पास सिर्फ फर्स्ट में दिख रहा है. और अगर हंगर अगर सिर्फ फर्स्ट में दिख रहा है देन तुरंत देखेंगे कि कोई और वर्ड ऐसा है जो सिर्फ फर्स्ट में ही, हमने कहा एंड वर्ड ऐसा है जो सिर्फ फर्स्ट में है. दैट मीन्स इन दोनों का आंसर कैसे होगा, आइदर में होगा. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए बी सी तो गया, मतलब ये तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ भी कर लो नहीं हो सकता, आप ना कर लो नहीं हो पाएगा. ठीक है ना, हंगर वर्ड हमारे पास जो सिर्फ हाँ मतलब ऑफकोर्स ये तीनों ऑप्शन तो नहीं, बिकॉज हंगर हमारे पास यहां पर है एंड यहां पर है, नहीं एंड कहीं और भी है भाई, सॉरी सॉरी मैं क्या देख रहा हूँ, एंड हमारे पास यहाँ पर तो यहाँ भी है हमारे पास एंड, एक मिनट और कोई वर्ड हमारे पास रिमेन हमारे पास वर्ड कहीं और नहीं, लेकिन हाँ ये हंगर जो है हमारे पास आइदर में ही है. देखो मैंने आइदर के लिए क्यों प्रोवोक, मतलब क्यों हम सोच रहे थे कि आइदर की तरफ जाएगा ये चीज, बिकॉज हमारे पास ना हंगर यहाँ पर है और रिमेन यहाँ पर, दोनों वर्ड यहाँ पर है, एंड कहीं और भी था, रिमेन भी कहीं और है, तो इसका वर्ड एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा फिर, तो इसका मतलब आइदर नहीं है इस चीज का. ठीक है, लेकिन मैं आइदर तरफ क्यों मैं बता रहा हूँ, क्यों आइदर तरफ मैं जस्ट सोच रहा था, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है आइदर, दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग अबाउट कि आइदर तो कहीं नहीं हो जाएगा इसी का आंसर, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस ऑप्शन वाज प्रोवोकिंग मी टू थिंक अबाउट आइदर, लेकिन आइदर है नहीं यहाँ पर, हंगर किला ही यहाँ पर, बिकॉज एंड भी कहीं और है, पॉवर्टी तो खैर दिख ही रहा है, रिमेन भी हमारे पास कहीं दिख रहा था, ऑफकोर्स रिमेन यहाँ पर, दैट मीन्स ऑफकोर्स एक आंसर नहीं दिखा यहाँ पर, जे आई एल ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 आपके स्क्रीन पर, दो वर्ड यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्लीज. दो वर्ड दिया गया है और दोनों वर्ड जो दिया गया है पॉवर्टी अनचेंज्ड, हमें यह तो दिख चुका है पिछले सवाल को सॉल्व करते समय ही कि पॉवर्टी वर्ड हमारे पास पहले में है, दूसरे में है, चौथे में भी है, तीसरे में नहीं चौथे में हमारे पास है, यह कंफर्म है. इसका कोड तुम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, हमारे पास जो कोड यहां पर निकल के आएगा वो होगा आई थिंक जीयूपी, बिकॉज जीयूपी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में दिख रहा है, दैट मींस जीयूपी तो चाहिए भाई अपने को, जीयूपी या नहीं है, जीपी नहीं है, ठीक है, सिर्फ आंखों से देख लीजिए जीपी कहां पर है, तो भाई थर्ड एंड फोर्थ में है. अब चेक करते हैं एनईआर और बीयूएफ में से कौन सा कोड होना चाहिए अनचेंज्ड का. अनचेंज्ड हमारे पास कहां पर है, थर्ड सेंटेंस में है, और सिर्फ थर्ड सेंटेंस में है, वहां पर हमारे पास एनईआर है या बीयूएफ है. हमने कहा भाई साहब एनईआर और बीयूएफ दोनों ही है, लेकिन क्या हमारे पास NER BUF में BUF कहीं और है या फिर NER कहीं और भी, NER कहीं और भी है, दैट मींस कंफर्म हो गया यहां पे BUF होगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज BUF सिर्फ वहां पर थर्ड सेंटेंस में है, बिकॉज देखो NER अगर यहां पर तो NER यहां भी है, तो दैट मींस कंफर्म हो गया कि NER जो है वो किसी और का होगा, लेकिन BUF जो बचा हुआ कोड है वो सिर्फ वहीं पे है, तो दैट मींस करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पे है, तीन वर्ड यहां पर दिया गया, ध्यान रखिएगा, रेट एंड रिकॉर्ड्स, क्विक हाँ हो गया, रेट एंड रिकॉर्ड्स, दैट मींस एंड हमारे पास तो दिख गया था भाई, अपनी गलती के समय मिल चुका था कि भाई एंड जो है हमारे पास वो फर्स्ट एंड फोर्थ में है, एंड रिकॉर्ड वर्ड इज इन द सेकंड थर्ड एंड सेकंड थर्ड ओनली. ठीक है, तुम्हारे पास एंड यहाँ यहाँ और रिकॉर्ड्स यहाँ यहाँ और रेट हमारे पास जो है फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, सिर्फ फोर्थ में है. एक काम करते हैं यार, दिमाग जाने लगाते हैं, एंड और रेट का साथ में निकाल लेते हैं पॉवर्टी का, मालूम है अपने को पॉवर्टी का क्या कोड था भाई, जीयूएफ. ठीक है, जीयूपी मतलब पीपल का कोड क्या हो जाएगा, पीपल तुम्हारे पास सेकंड और इसमें है, तुम्हारे पास एबीसी हो जाएगा, एबीसी और जीयूपी तो निकल गया, एमयूबी एफओआर चाहिए, एमयूबी एंड एफओआर चाहिए, एफओआर एमयूबी है ना, ऐसे निकल गया है ना. चलिए ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बच्चा हमारे पास बी और सी में देखना पड़ेगा क्या होता है, और ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, ई है, सी एंड डी. चेक करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड वर्ड हमारे पास है यहाँ पर. ठीक है, रिकॉर्ड हमारे पास कहाँ कहाँ पे है, सेकंड और थर्ड में है, कोई और वर्ड इसमें सेकंड थर्ड में कॉमन जो हमारे पास हो, काउंट वर्ड है, काउंट वर्ड भी कहीं और नहीं, दैट मींस नाउ काउंट का आंसर इज ऑल्सो पॉसिबल इन आइदर, दैट मींस रिकॉर्ड का आंसर इज पॉसिबल इन आइदर, दैट मींस अगर आइदर में होगा तो ऑप्शन बी और सी गया तेल लेने, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है ना, क्लियर है, ये सवाल बहुत लोगों का मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन नंबर सी कुछ तो मार्क कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हुआ क्या, रिकॉर्ड्स जो ये तीन वर्ड थे ना इसमें दो वर्ड का कोड तो निकल रहा है, लेकिन इसका वर्ड इसका जो आंसर है वो निकल नहीं पाएगा, क्यों, बिकॉज रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ यहाँ है, तो हम तुरंत देखेंगे क्या ये दोनों ही सेंटेंस में, कोई और चीज तो ऐसा नहीं सिर्फ दोनों सेंटेंस में हो, तो हमने कहा भाई काउंट वर्ड जो हमारे पास है वो सिर्फ सेकंड और थर्ड में ही, दैट मीन सेकंड और थर्ड में दो दो ऐसे वर्ड हैं जो कॉमन है, जब दो दो वर्ड, व्हेन टू वर्ड्स आर कॉमन इन टू सेंटेंसेस,
एक्सक्लूसिवली मतलब उसी सेंटेंस में सिर्फ हो तो उसका आंसर आयदर में ही पॉसिबल होता है. ये कॉन्सेप्चुअलिज्म करते रहते हैं हमेशा. रिकॉर्ड रिकॉर्ड काउंट काउंट दैट मीन्स इट इज क्लियर दैट हमारा आंसर एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं होगा. एफ ओ आर एम यू बी तो मिल चुका है दोनों जगह, एम यू बी एफ ओ आर यहाँ भी, लेकिन जो एन ई आर और डी एफ वाला कंडीशन है ये हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे. दैट इज करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई. बहुत बढ़िया प्यारा सवाल. सवाल नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है, टाइमर ऑन करते हैं. क्विक कट गया नंबर ना, ऐसे ही करता. तो समय रहते सचेत हो जाए करो. चले सवाल में बोला गया है फाइंड द कोड फॉर द वर्ड हंगर रेट. अब हंगर का कोड हमने पहले सवाल में निकाल रखा है, हमें रेट का निकालना, रेट का भी निकाल ही रखा है लगभग हम लोग. रेट हमारे पास कहां पे था, सिर्फ फोर्थ सेंटेंस में है. रेट वर्ड हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं नहीं है. क्या रेट वर्ड किसी से आइदर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है. दैट मींस हमारे पास आई थिंक यहां पे एफ ओ आर जो वर्ड है वो आई थिंक हो जाएगा इसका, बिकॉज एफ ओ आर का वर्ड कहीं भी इस्तेमाल में नहीं लाया गया है. दैट मींस एफ ओ आर एंड जे आई एल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सबका आंसर सेम आया होगा. आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 आपके स्क्रीन पे है. एन ई आर किसका कोड है ये पूछा गया आपसे. एन ई आर आई थिंक सिर्फ मुझे फर्स्ट एंड थर्ड में दिख रहा है. क्विक फर्स्ट एंड थर्ड कॉमन थिंग. ठीक है, अब देखो जब तक आप चौथे देखो पांच सवाल के सेट में जब आप चौथे पांचवें तक पहुंचते हो नॉमिनी ट्रेडिशनल सवाल होता है तब तब तो मालूम चल चुका होता है कि हाँ लगभग कोड जैसे हमारे पास रिमेन अब यहां दिख चुका है तो आप ऑफकोर्स नंबर ऑप्शन में बी मार्क कर चुके होंगे आप किसके लिए, एनईआर के लिए. फर्स्ट एंड थर्ड में आपके पास ये चीज था, फर्स्ट एंड थर्ड में एनईआर था ना. हाँ फर्स्ट एंड थर्ड में एनईआर था. कोड एनईआर स्टैंड फॉर विच द फॉलोइंग. क्लियर. काउंट का कैसे होगा भाई, कौन कह रहा है काउंट का होगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, नहीं प्रीवियस क्वेश्चन देख लिया मैं, हंगर रेट सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एक और सेट किया जाए. नहीं टाइम अप हो चुका है. ठीक है, 7:58 हो चुके हैं. तो बाकी सवाल आपको पीडीएफ के तौर पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो बाकी सवाल 40 है इसमें, आगे मैं दिखा देता हूँ सवाल. जैसे 26 से 30 आपका सवाल ये रहा. ठीक है ना, 26 से 30 नंबर सवाल, 26, 27, 28 सब सवाल तो हम रख लेके आते नहीं, हो नहीं पाता एक घंटे में. सोचते हैं 40 सवाल हो जा लेंगे, क्योंकि डिस्कस भी करना है, सिर्फ सॉल्व करना रहे तो हाँ फटाफट हो गया. लेकिन डिस्कशन जब करना होता है और बीइंग अ टीचर हमें ऐसा हो ही नहीं पाएगा या देखो इसका आंसर क्या होगा तो ये होगा, ऐसे मार्क नहीं कर सकते. विल हैव टू एक्सप्लेन कि भाई ये बीट द बॉल स्कोर में दो वर्ड को पहले कोशिश करेगा ढूंढने का, ये निकलेगा ही अंदर से. आदत खराब है, मतलब आदत जो भी है अच्छा है खराब है, मतलब समझाना ही पड़ता है अपने को ये चीज. ठीक है ना, एनीवेज सो बाकी के आपको सवाल दिख जाएंगे आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के तौर पर, आप वहां से ले लीजिएगा. ठीक है ना, सो मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ. लेकिन एक अभी आजकल लगातार आप सुन रहे होंगे किस चीज़ के बारे में, तो ऑफकोर्स जीरो टू हीरो बैच के बारे में लगातार सुन रहे होंगे. और इस बीच में आपके पास एक डबल वैलिडिटी का ऑफर भी आ चुका है, मतलब कि जीरो टू हीरो एक बेहतरीन SBI PO का बैच. SBI PO का बैच मतलब तमाम बैंक एग्जाम का बैच जो 2023 में टारगेट कर रहे हैं बैंक एग्जाम्स को, उन लोगों के लिए बहुत होता है ना, पहले ही एक फाउंडेशन टाइप बेहतरीन मतलब फुल टू बैच आ चुका है. तो एक तो भाई SBI PO का बेहतरीन जीरो टू हीरो बैच, साथ में डबल वैलिडिटी का कॉम्बिनेशन. इससे डेडली कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है. इस वक्त में अगर आप वैलिडिटी मतलब आपको जो बैंक महापैक 6 महीने का एनरोल करते हैं आप, तो आई थिंक उसमें आपको 12 महीने मिल जाएगा. आई थिंक क्या मतलब मिलेगा ही मिलेगा, 6 महीने का है तो भाई 12 महीने मिलेगा, 12 महीने का एनरोल मिलेगा आपको 24 महीने मिल जाते हैं. तो अब देख लीजिए कि आप अगर ग्रेजुएट हैं तो ऑफकोर्स आपको 6 महीने ही खर्च करना चाहिए, क्यों आप 1 साल कर लेंगे भाई. 6 महीने में आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 1 साल अपने आप हो गया. तो ये बेटर टाइम होता है जब आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो भाई सस्ते में मिल जाता है सब्सक्रिप्शन. पहली बार तो फीस कम होती है, प्लस एक बार ज़्यादा फायदा हो जाता है. तो ये काम कर सकते हैं आप, जिनके पास डबल वैल्टी मतलब महापैक नहीं है वो महापैक ले सकते हैं, चाहे वो कोई भी महापैक हो, मतलब वो बैंक महापैक लेना है बैंक महापैक ले लीजिए, उसमें भी आपको SBI PO बैच मिलेगा. अब अपकमिंग टाइम में हम लोग क्या करेंगे, स्कोर बूस्टर बैच भी लेके आएंगे SBI PO का, ध्यान रखिए. तो उसके लिए अलग से क्यों एनरोल करना, अभी बैंक महापैक ले लीजिए ताकि आप उस वक्त ये जो स्कोर बूस्टर बैचेस हों या फिर रैंकर हैं या फिर आपका SBI PO जो चल रहा है जो शुरू होने वाला 30 तारीख परसों से, वो अब 30 तारीख नहीं बोलूंगा मैं परसों बोलूंगा, परसों से स्टार्ट हो रहा है तो बैचेस आपको मिल जाएंगे. ठीक है ना, तो स्कोर जैसे IPS